दोस्तों, अगर सच पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके जो कस्टमर होंगे वो दुकानदार होंगे, मतलब मार्केट में अगर दुकान है तो सभी दुकानदार उसके कस्टमर होंगे। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो लगभग 500, 700 या उससे थोड़ा कम ज्यादा में शुरू किया जा सकता है? तो दोस्तों, आज के अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसी टॉपिक पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, और आज की जो जानकारी है दोस्तों आप देख लीजिएगा कहीं भी, इस तरीके का बिजनेस भी लोग करते हैं जिसके सभी दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं मार्केट में, एक तरीके से सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्राहक उसके होते ही होते हैं। तो क्या वह बिजनेस है, कैसे उसको शुरू करना है, उसी के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो में जो बिजनेस आइडिया, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह तरीका कोई नया तरीका नहीं है, ये तरीका पुराना ही है, लेकिन मैं आपका एक तरीके से फिर से रिपीट ध्यान उस तरफ लेकर के जाना चाहता हूं, ताकि आपको अगर आपके एरिया में अगर उस बिजनेस को शुरू करने का मौका मिले तो आप गंवाइएगा नहीं, शुरू कर लीजिएगा, अगर आप छोटी पूंजी की बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो। और दोस्तों अगर देखा जाए तो उस व्यापार को पूरे दिन घूम करके नहीं करना है, मतलब उस व्यापार को पूरे दिन करना भी नहीं है, मुश्किल से 2 से 4 घंटे के ही बीच ये व्यापार किया जाता है और अच्छी खासी लोग इसी से कमाई कर लेते हैं। मान लीजिए कम पूंजी का व्यापार है तो आप कितना सोच रहे हैं कि अब 500 अगर 1000 रुपए का पूंजी के बीच में व्यापार है तो ये थोड़ी आप सोच सकते हैं कि उससे 2000 या 5000 कमाएंगे। हाँ, उससे जरूर, अगर 500 का लागत का मटेरियल है, अगर मटेरियल बेच रहे हैं, बेचने के बाद उससे 400-500 रुपया जरूर कमा सकते हैं आपका जो लागत है उसको हटा करके। तो दोस्तों बहुत ही एक तरीके से समझने वाला यह वीडियो है, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि बिजनेस जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, आप बिजनेस करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन जो तरीका है उसको समझ लीजिएगा, बिल्कुल सही तरीका है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से ये बिजनेस चल रहा है और लोग जिसको भी मौका मिलता है अपने एरिया में देखते हैं और पैसे भी कमाते हैं। और केवल एक ही तरीका नहीं है, मैं तो केवल एक तरीके के बारे में, उसके अलावा अनेकों तरीके हैं जिसके बारे में अगर टाइम अगर सही रहेगा, मतलब वीडियो का जो एक तरीके से टाइम है 10 मिनट का, तो टाइम अगर बचेगा तो उसके बारे में भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे जो पहला तरीका है उसके बारे में हम आपको बता। देखिए दोस्तों, जिस बिजनेस के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं वह बिजनेस सुबह के टाइम उस बिजनेस की शुरुआत की जाती है। सुबह सुबह का मतलब 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का व्यापार शुरू करता है तो उसको सुबह के समय ही वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों ये कोई बहुत लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, नॉर्मली आप अगर गांव में भी रहते हैं, अगर छोटा मोटा मार्केट है तो वहां पे इस तरीके का व्यापार आप देखे होंगे, और आप नहीं देखे होंगे तो आप समझ के इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो बिजनेस है उसको कहा जाता है अखबार बेचने का बिजनेस। ये तो मैं केवल आपकी गांव की बात बता रहा हूं, उसको बेचने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से लोकेशन हैं। जैसे मैं केवल एक बाजार का बात कर रहा हूं कि बाजार में दुकानदार आपके ग्राहक होंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा मतलब और आगे से, मतलब थोड़ा और ऊपर से समझा जाए तो केवल दुकानदार ही नहीं दोस्तों, बहुत से ऐसे ऐसे जगह है जहां पे एक तरीके से, जैसे मान लीजिए ट्रेन में व्यक्ति सफर करता है तो बहुत से लोगों को अखबार पढ़ने का, पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन उसको ले करके देखने का बहुत शौक। बहुत से लोगों को पढ़े ना पढ़े ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन मैं भी सफर किया हूं ना, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेन में भी इसका व्यापार किया जाता है। बहुत से जिसको मतलब जो व्यापार करना है, बहुत से लोग इसका व्यापार करते हैं और इसमें भी अच्छा खासा कमाई
होता है सुबह के समय, जैसे मान लीजिए लंबी टूर वाली जो ट्रेन है सुबह के टाइम, उसमें भी लोग अखबार बेचते हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज है कि ना ही आपको कोई बहुत भारी बहुत बड़ा लाइसेंस कोई बनवाना है, उसकी चिंता नहीं है। जो भी जो छोटा मोटा प्रोसेस है, या एक तरीके से अगर उसको देखा जाए तो खरीद कर लिया करके बेचना है, जहां प्रिंट होता है वहां से खरीदना है। हाँ, ये दो तीन चीजों का ध्यान देना है इसमें कि जहां पे हम अपना मतलब प्रोडक्ट बेच रहे हैं खरीद करके ला करके, वहां पे मतलब क्या मांग क्या है, डिमांड क्या है। मतलब देखिए हमारे यहाँ अगर अगर कहा जाए तो कई तरह के अखबार हैं, मतलब अलग अलग अखबार हैं अलग अलग नाम से। तो ये चीज देखना है कि वहां का जो आपका कस्टमर है, जो दुकान अगर दुकान पे बेच रहे हैं तो दुकान वाला जो व्यक्ति है, जो दुकान किया हुआ है, वो किस नाम से अखबार ज्यादा खरीदता है। अलग अलग नाम से अखबार छपता है तो किस नाम से खरीदा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको देखना है, वही चीज आपको खरीद करके लाना है। आप समझ रहे हैं ना। देखिए दोस्तों मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि देखिए बिजनेस शुरू करने से पहले ना, चलिए मान लीजिए 10% नहीं जानकारी है, फिर भी 90% केवल जानकारी नहीं, पूर्ण रूप से चारों तरफ से समझ लेना चाहिए। केवल जानकारी जानकारी नहीं कि मुंह से मैंने बता दिया, ये नहीं, इसको जानकारी नहीं कहते हैं। ये तो केवल आपको एक तरीके से आपका मतलब उस तरफ ध्यान लेकर के जाया जा रहा है कि ये भी बिजनेस होता है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे नहीं कर सकते। लेकिन ये जानकारी अधूरी है, समझ रहे हैं ना। आपको मैं आपको बता दिया, अब आपको अगर उस व्यापार को करना है, कोई भी व्यापार है या कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो बना रहा है, वो बता रहा है आपको, तो ये नहीं है कि कोई वीडियो बना दिया कोई भी व्यक्ति तो आप उस व्यापार को जैसे हवा हवाई में कोई बता दिया हवा हवाई में, ऐसे नहीं। जानकारी का मतलब होता है कि ये तो मान लीजिए एक तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उसके प्रैक्टिकल में उसके बारे में जानना, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे ये रील है, वीडियो का मतलब एक तरीके से यह रील है, यह जैसे ये केवल बज रहा है, इसको बंद कर देंगे ये बंद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको समझना। तो उस तरीके की जो जानकारी होती है चौतरफा, अगर नहीं पूरी जानकारी मिली लेकिन 90% आपको जानकारी है कि ये काम ऐसे 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 होता है, तब आप शुरू कीजिए। तो आपको ज्यादा भटकना नहीं, 10% तो आप उसको करने के बाद आपको पता चल जाएगा अब आगे क्या करना है। 10% अगर मान लीजिए जानकारी रह गई तो ऐसा नहीं है कि 10% आपको पता है, करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन केवल किसी भी तरीके से केवल ये सोशल मीडिया के जरिए ही बिजनेस आइडिया नहीं समझ लेना चाहिए कि हाँ ये ऐसे हो गया। मान लीजिए हम जो बता रहे हैं, हम अपने एरिया की बात आपको बता रहे हैं, आपके एरिया में वैसा ना होता हो, उस रेट में ना मिलता हो, या उस तरीके से कुछ माहौल ऐसा ना हो और आप उस व्यापार को शुरू कर दे, तो ये बात आपको समझना है कि ये केवल एक तरीके से समझने के लिए जो ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में भी जानकारी होनी चाहिए। केवल हवा हवाई बातें करने से नहीं होगा, मैं अगर आपको बता दिया तो ये एक तरीके से हवा में बात है। प्रैक्टिकल कितना में मिलता है, कितना में वो कितने रुपए का एक जो अखबार होता है, एक जो पूरी मतलब जो 20-21 पन्ने की जो भी अखबार होती है 21 पेज की, दोस्तों वो आपको देखना है कि कितने रुपए का मिलता है, उसको कितना मार्जिन मिलता है, किस प्रकार के अखबार मतलब किस नाम से अखबार कितना ज्यादा हमारे पास होना चाहिए, कहाँ पे किस, ये सब चीज आपको मान लिया मैं कोई ये सारी चीजें तो बताएगा नहीं, आपको प्रैक्टिकल में आपको समझना पड़ेगा उसको। तो केवल यही नहीं, कोई भी बिजनेस है हमें ये समझना चाहिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है, चाहे बिजनेस व्यापार कुछ भी करे कुछ ना कुछ, तो उसको अपने काम में उसको ठीक है जानकारी कोई बता दिया ठीक है, प्रैक्टिकल में भी उसको समझ लेना जरूरी है, नहीं तो उसमें धोखा हो सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए टॉपिक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। और एक तरीके से ये केवल एकमात्र बिजनेस नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसके अलावा अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं जो दुकानदार भी आपके ग्राहक हो सकते हैं।
तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।